नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो शुरू हो चुका है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें धार, रफ्तार और इन्फॉर्मेशन से भरपूर ये बुलेटिन खास आपके लिए। बिल्कुल, तो हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन अगर आप बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाकर के एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करके आप रह सकते हैं बिल्कुल फिट। वैसे सुबह की खूबसूरती अलग होती है ना दीपिका, ये उगता हुआ सूरज, ठंडी ठंडी हवा, ये थोड़ा योगा करना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, थोड़ी सी वॉक कर लेना, आपको पूरे दिन के लिए बिल्कुल तरोताजा कर देता है। जी बिल्कुल, और योग करना तो बहुत जरूरी हो जाता है। और अगर पंजाब की बात करें तो वहां पर सरकार खुद ये इनिशिएट ले रही है, इनिशिएटिव करते हुए योग करवा रही है। जी हाँ, पंजाब में योग की पाठशाला की शुरुआत होने वाली है। इससे जुड़ी सबसे पहली खबर आपको दिखाते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर पहुंचे। सबसे पहले कपूरथला गए, जहां योगशाला कार्यक्रम का उद्घाटन पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ मिलकर किया। केजरीवाल ने पंजाब की भगवंत मान सरकार की जमकर तारीफ की, कह डाला कि आम आदमी पार्टी जो कुछ पंजाब और दिल्ली में कर रही है, वो करने की कल्पना भी कभी बीजेपी और कांग्रेस ने नहीं की थी। हम बिजली फ्री कर रहे हैं, बाकी किसी पार्टी को सपना भी नहीं आया कि बिजली फ्री करनी चाहिए। हम बच्चों को रोजगार दे रहे हैं, हम कच्चे एम्प्लॉयज़ को पक्का कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब ये सारे एम्प्लॉयज़ पानी की टंकियों पे मिलते थे, अब वो नज़ारे बंद हो गए हैं। पंजाब के अंदर किसानों की फसलें अगर बर्बाद हो जाती है तो खेतों के अंदर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री सबसे पहले नज़र आते हैं। जालंधर में उपचुनाव भी होना है, और उपचुनाव से पहले कांग्रेस से निकाले गए पूर्व विधायक सुशील कुमार रिंकू को आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करा लिया। केजरीवाल के सामने ही रिंकू को आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दी गई। पूर्व विधायक कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए तो आम आदमी पार्टी के नेता कुछ नाराज दिखे। हालांकि कैमरे पर ये जरूर कहा कि विरोध पार्टी का है, न कि किसी व्यक्ति का। पार्टी जिन्हें भी टिकट देगी वो झाड़ू निशान होगा। असी तो तैयारी पिछले काफी दिनों तो कर रहे हैं, क्योंकि सानू टिकट मिल चुकी है। साडा चोर निशान है झाड़ू, झाड़ू से जेड़ा भी कैंडिडेट आएगा वो उसकी जीत के लिए असी दिन रात काम करांगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब में भगवंत मान अप्रत्याशित काम कर रहे हैं, और भगवंत मान कह रहे हैं कि केजरीवाल के मार्गदर्शन में पंजाब का विकास कर रहे हैं। एक दूसरे की पीठ थपथपाने की अनूठी सियासत आम आदमी पार्टी में चल रही है। और आपको याद होगा श्वेता कि दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से योग की शुरुआत की थी, क्लासेस की शुरुआत की थी। हालांकि एलजी के आदेश के बाद इस क्लासेस को रोकना पड़ गया था। हालांकि योग करने से काफी सारी बीमारियों से बचा जा सकता है और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और स्ट्रांग इम्यूनिटी की जरूरत वैसे भी आजकल एक बार फिर से पड़ने लगी है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते आंकड़े तेजी के साथ डराने लगे हैं। राज्य सरकारें भी अलर्ट पर है, क्योंकि आंकड़े एक बार फिर से बताने लगे कि कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। देखिए पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में। भारत में कोरोना एक बार फिर विकराल रूप लेता जा रहा है। कोरोना के मामले रोजाना तेजी से बढ़ रहे हैं। हर राज्य, हर शहर में कोरोना के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के 4,435 नए केस मिले हैं। 9 राज्यों में कोरोना से लोगों की जान गई है। अब देश में एक्टिव मरीज 23,000 के पार हो गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना सबसे ज्यादा डरा रहा है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट पूरे भारत के मुकाबले सबसे तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 509 नए केस मिले हैं। एक्टिव केस 1800 के करीब पहुंच गए हैं। कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली नगर निगम हालात से निपटने के लिए खुद को तैयार बता रहा है। महाराष्ट्र में भी कोरोना विकराल होता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी करने की तैयारी हो रही है। महाराष्ट्र में 569 नए कोरोना केस मिले हैं। 16 दिन में 23 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में ही 221 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में पॉजिटिविटी रेट 11.65% है। महाराष्ट्र के सतारा में कोरोना के विकराल रूप को देखते हुए मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है। इधर राजस्थान में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना का नया XBB वेरियंट तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि कोरोना की बूस्टर डोज लेने के बावजूद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ेंगे। हालांकि राहत की बात यह है कि नए वेरिएंट के ज्यादातर केस मामूली परेशानी पैदा करने वाले हैं और लोग घर में ही ठीक हो रहे हैं।
अभी प्रतिबंधों की जरूरत नहीं है। कोरोना के आंकड़े डरा जरूर रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्ट्रांग इम्यूनिटी करके इससे बचा जा सकता है। हालांकि इधर एक स्वच्छंद उड़ान हिंदुस्तान ने भी भरी है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हल्के लड़ाकू विमान तेजस के ट्रेनर विमान ने बुधवार को अपनी पहली उड़ान भरी और इसका परीक्षण सफल रहा। HUL एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद विमान करीब 35 मिनट हवा में रहा। वीडियो में ट्रेनर विमान को आसमान की ओर उड़ान भरते हुए देखा जा सकता है। तेजस विमान का प्रोडक्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर रहा है। पहली सीरीज के प्रोडक्शन के तहत तैयार हुए तेजस के ट्रेनर विमान ने बेंगलुरु में HUL के हवाई अड्डे से अपनी पहली उड़ान भरी। HUL ने इस उपलब्धि को मील का पत्थर बताया है। LCA ट्रेनर का इस्तेमाल उन पायलटों के प्रशिक्षण विमान के रूप में किया जाएगा जिन्होंने उन्नत प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भविष्य में कुल 10 LCA तेजस FOC ट्रेनर बनाने की योजना है। तेजस सभी मौसम में उड़ने वाला मल्टी रोल वाला लड़ाकू विमान है। तेजस सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है जिसे हाई रिस्क जोन में उड़ाया जा सकता है। इस विमान से 1000 पाउंड का बम, लेजर गाइडेड मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू सर्फेस मिसाइल को भी दागा जा सकता है। इस विमान में हैमर मिसाइल को लगाने की भी चर्चा चल रही है। इस मिसाइल से 70 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के बंकर तबाह किए जा सकते हैं। तो देखा आपने, हिंदुस्तान ने एक नई उपलब्धि हासिल की है और अब इसी विमान में ट्रेनिंग लेकर के उड़ान भर सकेंगे। और इधर अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले शख्सियतों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया है। राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया है। कौन कौन से खास व्यक्तित्व हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार मिले हैं वो आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अलग अलग क्षेत्र की दिग्गज हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। जिन हस्तियों को ये सम्मान मिला उनमें आध्यात्मिक गुरु चिन्नाजीयर स्वामी से लेकर दिवंगत मुलायम सिंह यादव का नाम शामिल था। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान को लेने के लिए उनके बेटे अखिलेश यादव मौजूद रहे। पद्म पुरस्कार पाने वालों की लिस्ट में बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन का नाम भी शामिल था। डॉक्टर दिलीप महल नाबिस को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया। हेम प्रभा सुतिया को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। चिन्नाजीयर स्वामी जी को अध्यात्म के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर दीपक धर को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वाणी जयराम को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नाटू नाटू गाने की रचना करने वाले संगीतकार MM कीरावनी को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समारोह खत्म होने के बाद PM मोदी ने सम्मान पाने वाली हस्तियों से मुलाकात की। इस दौरान कर्नाटक के बीदरी शिल्प कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी ने PM मोदी को धन्यवाद कहा। उसके बाद वो खामोश बैठ गया कि BJP गवर्नमेंट कहिए या हमको नहीं दे, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाटू नाटू रचने वाले किरावनी को भी पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया। और जब से ये गाना को ऑस्कर मिला उसके बाद तो पूरी दुनिया में ये गाना वायरल है। जापान में भी कितने मिलियन लोग इस फिल्म को देख चुके हैं, जाहिर सी बात है। और नाटू नाटू सॉन्ग पे जूनियर NTR और क्या तरीके से शानदार तरीके से डांस उन्होंने किया है। लेकिन अब क्रिस गेल का वीडियो इसी सॉन्ग पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और क्या कुछ वायरल हो रहा है देश में, 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। टोर्नेडो यानी बवंडर का नाम सुनते ही लोगों की कंपकपी छूट जाती है, क्योंकि बवंडर अपने साथ तबाही लेकर आता है। लेकिन क्या कभी बवंडर को कैमरे में कैद देखा है? प्रोफेशनल फोटोग्राफर एमी ने बवंडर का ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। इसके करीब जाना मौत को दावत देने जैसा है, इसीलिए इसे दूर से ही रिकॉर्ड किया गया है। इस वीडियो को अब तक 23 लाख लोग देख चुके हैं। इस नज़ारे को देखकर बस यही कहा जा सकता है कि वाह, प्रकृति कितनी खूबसूरत है। एक झील में कुछ लोग बोटिंग का मजा ले रहे हैं और उनके साथ एक कतार में पक्षी उड़ते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये पक्षी इन सैलानियों को एस्कॉर्ट कर रहे हों।
बोट पर मौजूद लोग इस लम्हे को कैमरे में कैद करने लग गए। तभी एक पंछी बोट पर आकर बैठ जाता है, जैसे वो ये कह रहा हो, बहुत देर उड़ लिए, अब थोड़ा आराम करते हैं। सर्कस में या फिर मैजिक शो में अपने बॉल के साथ ये खेल जरूर देखा होगा। ये लड़की भी बॉल के साथ यही कलाकारी घर में दिखाने की कोशिश कर रही है। देखिए, उसने अपने हाथ में दो दो के ग्रुप में 6 बॉल पकड़ रखा है। वो एक एक करके बॉल को उछालती है और फिर उसे कैच करती जाती है। 8 सेकंड के इस वीडियो को जिसने देखा वो देखता ही रह गया। इसे अब तक 7 लाख से ज्यादा व्यू मिल चुके हैं। कहते हैं पानी में मगरमच्छ से बैर करना ठीक नहीं, लेकिन इस जैगवार को अपने नुकीले दांतों और पंजों पर ज्यादा भरोसा था। मगरमच्छ को अपने जबड़े में दबाकर जैगवार पानी से बाहर निकला और जंगल के अंदर चला गया। करीब 8 फीट लंबे मगरमच्छ का पानी के अंदर शिकार करना और फिर इसे लेकर जंगल के अंदर समा जाने वाली इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं। वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज और यूनिवर्स बॉस के नाम से फेमस क्रिस गेल का ये डांस क्या आपने देखा है? क्रिस गेल आईपीएल की कमेंट्री के लिए इंडिया में मौजूद हैं और उनका ये डांस मूव स्टूडियो के अंदर से आया है। वीडियो को खुद क्रिस गेल ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है और अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे देख लिया है। लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्रिस गेल किंग ऑफ एंटरटेनमेंट है। जितनी अच्छी आज की सुबह श्वेता, उतना ही अच्छा आज का दिन है, क्योंकि आज हनुमान जयंती है और इसी अवसर पर देश के अलग अलग मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई हैं। जगहों पर, अलग अलग लोकेशंस पर भंडारे का आयोजन किया गया है और कई जगहों पर शोभा यात्रा निकालने की भी तैयारी की जा रही है। वैसे दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी एक हनुमान जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं और कभी दिल्ली आए तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें, और अगर दिल्ली में रहते हैं तो मुझे लगता है आज तो उस मंदिर पर लंबी कतारें जरूर लगी होंगी। वैसे बात करें गुजरात की, जहां कष्टभंजन हनुमान मंदिर में हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कितनी है इस प्रतिमा की ऊंचाई और कहां पर ये मंदिर है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में देख लीजिए। चौवन फीट ऊंचे विशालकाय बजरंग बली की प्रतिमा का अनावरण हुआ तो हनुमान भक्त खुशी से झूम उठे। वातावरण जयकारों से गूंज उठा। गुजरात के सलंगपुर स्थित कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर में नजारा देखते ही बन रहा था। लाल रंग का पर्दा जैसे ही हटा, वातावरण भक्तिमय हो गया, मानो साक्षात बजरंग बली ने दर्शन दे दिए हों। हजारों का हुजूम और हवा में लहराते भगवा ध्वज, पवन पुत्र के स्वागत में पुष्प वर्षा और जय श्री राम के नारे, इस दृश्य को हर कोई कैमरे में कैद कर रहा था। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी देखने को मिली। प्रतिमा में बजरंग बली के इस रूप का जिसने भी दर्शन किया वो धन्य हो गया। पूरे प्रोजेक्ट का नाम किंग ऑफ सारंगपुर रखा गया था। ये मूर्ति इतनी विशाल है कि इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। हनुमान जी की इस मूर्ति का वजन 30,000 किलो बताया जा रहा है। गुजरात के कष्टभंजन मंदिर में हनुमान जी की इस मूर्ति का अनावरण हुआ तो माहौल भक्तिमय हो गया और जो भक्त वहां पर मौजूद थे जय बजरंग बली के जयकारे लगाते हुए नजर आए। और इधर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहां पर भी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आज हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान की जयकारे लगाने की पूरी तैयारी है। लेकिन श्वेता, जिस तरीके से रामनवमी के दिन हिंसा हुई थी, वैसी घटना इस बार हनुमान जयंती के मौके पर न हो, इसके लिए सेंटर से केंद्रीय बल को भेजा गया है। क्या तैयारियां हैं इस रिपोर्ट में देखिए। हनुमान जयंती पर बंगाल में हालात सामान्य रहें, इसके लिए केंद्र ने तैयारी की है। केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों की 3 अतिरिक्त कंपनियां बंगाल भेजी हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों को बैरकपुर में तैनात किया जाएगा। कोलकाता और चंद्रनगर में भी केंद्रीय बल तैनात होंगे। कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए
केंद्र की मदद लेने के आदेश दिए थे, जिसके बाद बंगाल सरकार के कहने पर केंद्रीय बल बंगाल भेजे गए हैं। बंगाल के राज्यपाल ने कहा है कि हनुमान जयंती से पहले हम पूरी तरह तैयार हैं और सब कुछ सामान्य रहेगा। Subsequent steps taken by the state government and the central government. Three companies of CRPF have already moved in. One will be in Barakpur, one will be in Kolkata, one will be in Chandannagar. We are ready, we are prepared. इधर रामनवमी की शोभा यात्रा के बाद हुए तनाव को देखते हुए हुगली में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। पुलिस के आला अधिकारी दल बल के साथ शहर की सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। दरअसल असामाजिक तत्वों को चेतावनी दी जा रही है कि गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया है कि पूरे बंगाल में 500 जगहों पर हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी कह चुकी हैं कि हनुमान जयंती पर गड़बड़ी फैलाई तो सख्त कार्रवाई होगी। सतर्क कर 6 তারিখটাও মনে রাখবেন আমাদের ছেলে মেয়েরাও। 6 তারিখটা আমরা বজরং বলিকে সবাই সম্মান করি, কিন্তু ওরা যেন দাঙ্গার নামে আবার কোনো প্ল্যান করতে না পারে এটা মাথায় রেখে দেবেন, সারা ভারতবর্ষে করছে। হালাঁকি বিজেপি নে আরোপ লাগায়া হ্যায় কি সিএম কি চেতাবনি মে এক খাস বর্গ কে লিয়ে হি চেতাবনি থি। पूरा साफ है कि ममता बनर्जी पूरा एपिसमेंट पॉलिटिक्स के साथ है, 33% के साथ है। हिंदुओं के ऊपर कोई उनका इमोशन, कोई उनका सिंपैथी नहीं है, और जो भी हो रहा है उनका निर्देश में पूर्व परिकल्पना जो होता है पूरा एकदम पहले से ठीक करके इतना इतना घटना घट रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी कल भी बोल दिया है कि हनुमान जयंती में भी सब लोग अलर्ट रहो। तो देखिए, सुरक्षा बलों की पूरी यही कोशिश है कि हनुमान जयंती के अवसर पर किसी भी तरीके का बवाल ना हो और जो शोभा यात्रा है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए। और आज देश की राजधानी दिल्ली में भी शोभा यात्रा निकालने की पूरी तैयारी है। जहांगीरपुरी जहां पर पिछले साल दंगा हुआ था वहां पर भी शोभा यात्रा निकाली जाएगी दीपिका, लेकिन वहां पर माहौल कैसा है और लोग क्या कुछ कह रहे हैं आज की शोभा यात्रा को लेकर के, वो अपने दर्शकों को इस रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। देश भर में आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है। जगह जगह हनुमान जयंती पर शोभा यात्राएं निकालने की भी तैयारी है और पुलिस प्रशासन भी शोभा यात्राओं को लेकर पूरी तरह मुस्तैद होने के दावे कर रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा निकालने का समय दोपहर 2 बजे तय किया गया है। हिंदूवादी संगठनों ने लोगों से बड़ी संख्या में पहुंचकर शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील की है। जहांगीरपुरी में हम देख रहे हैं कि तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, अलग अलग इलाकों में पोस्टर्स और बैनर्स लगा दिए गए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस इस इलाके की सेंसिटिविटी को देखते हुए यहां पर पेट्रोलिंग कर रही है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिए गए हैं। अब देखिए इस वक्त सड़कों पर किस तरह से दीवारों पर आपको ये पोस्टर्स दिख जाएंगे हनुमान जयंती के अवसर पर। कल 2 बजे के बाद यहां पर शोभा यात्रा निकालने को लेकर इसी तरह से पोस्टर्स बैनर्स लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने हनुमान जयंती पर निकलने वाली शोभा यात्रा को मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन देर शाम शोभा यात्रा की मंजूरी दी गई। साथ ही पुलिस ने ये भी कहा कि शांतिपूर्ण शोभा यात्रा संपन्न कराई जाएगी। हनुमान जयंती जो पिछले साल इसी रास्ते जहांगीरपुरी के इसी ब्लॉक से गुजरी थी और इसी रास्ते पर गुजरते वक्त यहां पर दंगे हुए थे और जिसके बाद माहौल खराब हो गया था, ये वही मस्जिद है और यहीं से वो हनुमान जयंती की शोभा यात्रा गुजरी थी। लेकिन आज देखिए 1 साल बाद यहां की स्थिति सामान्य है। जहांगीरपुरी में बीते साल हनुमान जयंती पर बवाल हुआ था, इस दौरान पथराव और उपद्रव हुआ था। हालांकि लोगों का कहना है कि यहां सब कुछ शांत है और इस बार सौहार्दपूर्ण तरीके से हनुमान जयंती शोभा यात्रा निकलेगी। यहां पे इतनी भाईचारा है, एक घर हिंदू का, एक घर मुस्लिम का, एक यहां सब बिल्कुल एकदम प्रेमता से बनी हुई है। अगर यात्रा निकल रही है परमिशन के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत पिछले साल भी नहीं थी। जहांगीरपुरी में जिस तरह से आपसी भाईचारा है हमेशा से बना है और अभी भी बना है। यात्रा निकाल भी रहे तो कोशिश ये करे किसी भी मस्जिद या मजार के सामने से ना निकाले, क्योंकि उसी यात्रा में कुछ लोग ऐसे भी जुड़ जाते हैं जो आपस का भाईचारा नहीं चाहते। तो जहांगीरपुरी के जो लोग हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि शोभा यात्रा पूरे शांति और सद्भाव से निकाली जाएगी और हर धर्म के लोग इस शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे आज। लेकिन बात करें दिल्ली की तो यहाँ पर बवाल मचा हुआ है मुगलों को लेकर के। जी हाँ, एनसीईआरटी की किताब से मुगल्स का चैप्टर हटा दिया, जिसको लेकर के विपक्ष अब केंद्र सरकार पर हमलावर है। विपक्ष यहाँ तक कह रहा है कि इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं।
एनसीईआरटी ने अपनी पुस्तकों से मुगल इतिहास के अध्याय हटाने का फैसला किया है। अब मुगलों का महिमा मंडन करने वाला इतिहास एनसीईआरटी की पुस्तकों के जरिए नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन विपक्ष केंद्र के इस फैसले पर हमलावर है। ओवैसी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी का आरोप है कि देश पर संघ और बीजेपी की आइडियोलॉजी थोपने की कोशिश हो रही है। ओवैसी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मुगलों को इतिहास से हटा देंगे तो इतिहास कुछ बचेगा ही नहीं। आखिर आप क्या करेंगे? आप ये निकाल रहे हैं कि गोडसे ने गांधी को इसलिए मारा क्योंकि वो महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के खायल थे। आरएसएस पे बैन लगा, आप उसको निकाल रहे हैं। दलित राइटर्स के आर्टिकल जो पढ़ाया जाता था उसको निकाल दिया। डेमोक्रेसी के बारे में आपने निकाल दिया, तो बीजेपी करना क्या चाहती है इस देश में? इधर कांग्रेस ने भी केंद्र के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस कह रही है कि पुस्तकों से चीजों को हटाया और मिटाया जा सकता है, लेकिन इतिहास से नहीं मिटाया जा सकता। आरोप लगाया है कि संघ और बीजेपी मिलकर पुस्तकों को बर्बाद कर रहे हैं। सिलेबस में जो अच्छी चीजें थी वो पूरी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, आप टेक्स्ट बुक में बदल सकते हो लेकिन देश के इतिहास को आप बदल नहीं सकते। और ये कोशिश पूरी आरएसएस की और बीजेपी सरकार की है। हालांकि एनसीईआरटी मामले में सफाई दे रही है, कह रही है कि पाठ्यक्रम कम करने के लिए इतिहास से ही नहीं बल्कि बाकी विषयों से भी चैप्टर कम किए गए हैं। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी बच्चों के दिलों में भी गलत चीजें फिट करने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, मुगलों के चैप्टर को लेकर के विपक्ष जबरदस्त तरीके से हल्ला मचा रहा है, केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और इधर बवाल तो मचा हुआ है संसद के सत्र को लेकर के भी। इधर मनीष सिसोदिया की आज जमानत पर भी बड़ा फैसला आने वाला है। साथ ही महाराष्ट्र की सियासत क्यों गर्म है और इसके अलावा अतीक के किस गुर्गे ने अब उसके खिलाफ गवाही दी है, ये सब कुछ आपको बताते हैं देश की बड़ी खबरें दो मिनट के हमारे सेगमेंट में। दिल्ली शराब नीति घोटाले केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। सीबीआई की ओर से दर्ज केस में जमानत के लिए सिसोदिया ने हाईकोर्ट में अर्जी दी है। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इस बीच ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कल सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली और कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी। उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद लगातार घिरता जा रहा है। राज्यपाल हत्याकांड के अहम गवाह मोहम्मद सादिक ने खुलासा किया है कि अतीक सभी गवाहों की हत्या कराना चाहता था। अतीक के कहने पर पहले उन्हें किडनैप कर समझौते का दबाव डाला गया। इस बीच राजूपाल मर्डर के आरोपी और अतीक के शार्प शूटर अब्दुल कवि ने सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वो 18 साल से फरार था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार की कूटनीति की बड़ी जीत हुई है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय निकाय के लिए चुन लिया गया है। इस अहम पद के लिए भारत ने चीन को पछाड़ दिया। दो सीट के लिए हुए मतदान में भारत को 46 देशों का समर्थन मिला जबकि चीन का समर्थन सिर्फ 19 देशों ने किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस जीत के लिए यूएन में भारतीय मिशन को बधाई दी है। महाराष्ट्र में उद्धव बनाम फडणवीस की जुबानी जंग के बीच बीजेपी के सीनियर नेता बावन कुले ने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को चेतावनी दे दी है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावन कुले ने उद्धव ठाकरे को सलाह दी कि वो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करें। अगर वो सलाह नहीं मानेंगे तो बीजेपी कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देंगे। संसद का बजट सत्र आज खत्म हो सकता है। सत्र के आखिरी दिन भी हंगामे के आसार हैं। विपक्ष ने आज भी प्रदर्शन की रणनीति बनाई है। विपक्षी सांसदों की प्लानिंग संसद से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक तिरंगा मार्च निकालने और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मार्च की इजाजत नहीं मिली तो विपक्षी दल संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकालेंगे। तो संसद सत्र के आखिरी दिन विपक्ष की कोशिश यही है कि वो अपनी एकजुटता दिखा सके और साथ ही सत्र जिस तरीके से नहीं चला दीपिका उसका पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया जाए। और बात करें तिरंगा यात्रा की तो इसको लेकर के क्या खास तैयारियां की गई हैं, कौन से दल इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के क्या कुछ कह रही है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। संसद के बजट सत्र का कमोबेश पूरा वक्त अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर हल्ले और हंगामे के बीच गुजरा। लंदन में राहुल गांधी ने भारत के लिए जो कुछ कहा उस पर भी हंगामा होता रहा। सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग पर अड़ा रहा
तो विपक्ष अडानी और केंद्र के रिश्तों पर चर्चा करने के लिए हंगामा करता रहा। आज बजट सत्र का आखिरी दिन है और विपक्षी दलों ने बड़ी योजना बनाई है। हल्ले हंगामे के बीच बजट सत्र में जो एक चीज दिखी वो है विपक्षी एकजुटता, और आज पूरा विपक्ष तिरंगा मार्च निकालने की तैयारी में है। विपक्ष ने संसद भवन से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकालने का ऐलान किया है। तिरंगा मार्च को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक निकालने की परमिशन भी मांगी गई है। तिरंगा मार्च के बाद विपक्ष की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। कांग्रेस कह रही है कि संसद सत्र में जिस तरह विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हुई, जिस तरह हंगामा हुआ, उसकी पूरी रिपोर्ट आज जनता को देंगे। ये जो हाउस में हुआ है और उस घटनाक्रम के बारे में लोगों को भी बताना जरूरी है, फिर वो तिरंगा मार्च निकालेंगे, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सारी चीजें जो इस सेशन में हो गई है उन बातों पर वहां पर हम पूरा रखेंगे और एक दूसरे के साथ आगे भी हमको काम करना है। दरअसल विपक्ष अडानी मामले में जेपीसी बनाने की मांग पर अड़ा रहा, लेकिन केंद्र सरकार ने इस मांग को अनसुना कर दिया। सूरत कोर्ट से सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हुई, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से जोरदार हंगामा भी किया गया। कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर गांधी परिवार पर निशाना साधा है। गुलाम नबी आजाद ने अपनी किताब आजाद में एक ओर राहुल गांधी और कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर निशाना साधा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई मसलों पर तारीफ भी की। हमारी सिस्टम चलाने की राजनीति, कार काम कैसे चलाना है, कैसे कांग्रेस पार्टी मजबूत होती नहीं होती, वो जो प्रेजेंट आज लीडरशिप है उनके चलाने का एक अलग तरीका है, हमारा एक अलग तरीका है, तो हमारे लिए वो तरीका बदलेंगे नहीं और हम उनको बदल नहीं सकते, ना वो ना हम उनके लिए बदलाएंगे ना वो हमारे लिए बदलाएंगे, तो यह मीटिंग पॉइंट है ही नहीं। सर अपनी किताब बाकी कांग्रेस के साथ ना हमारी कोई लड़ाई है, मैं तो चाहूंगा राहुल गांधी स्वस्थ रहे, वो बढ़े राजनीति में, आगे बढ़े। कांग्रेस पर द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ब्लूपर्स एंड बॉम्बास्ट नाम से लिखे अध्याय में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में गिरावट को निराशजनक बताया है और इस पर चिंता जाहिर की है। आजाद ने कहा कि राहुल स्वार्थी और चापलूसों से घिरे हैं। ये लोग जो उनको खुश करने के लिए पीछे वो हमसे गालियां देते हैं, मैंने राहुल गांधी को कभी पीछे गाली नहीं देता, वो एक एक मन की गालियां देते हैं उनके साथ जो ट्विटर चलाते हैं, है? उनके या खुश करने के लिए कहते हैं, अंदर से वो खुश नहीं है लेकिन खुदगर्जी से हम कहते हैं मकान के लिए, यार तुम तो एमपी बनने के लिए, तुम्हें बेटे के एमएलए टिकट देने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, सबके अपने कुछ। तो गुलाम नबी आजाद ने अपनी किताब में जो कुछ भी लिखा है उसके बाद अब बयानों का दौर जारी है। कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आजाद पर ही सवाल उठा रही है, हंगामा चल रहा है। और इधर हंगामा हो रहा है मध्य प्रदेश के सीहोर में भी। वहां पर बात करें तो हनुमान जयंती के मौके पर एक झंडे को लेकर के हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतर आए हैं, जमकर के प्रदर्शन हो रहा है। आखिर ऐसा क्या है उस झंडे में, प्रशासन क्या कुछ कह रहा है, देखिए पूरी खबर। मध्य प्रदेश के सीहोर में हनुमान जयंती से पहले तनाव बढ़ गया। शहर में हनुमान जयंती से पहले भगवा झंडे लगाए गए, आष्टा इलाके में हिंदू राष्ट्र के ध्वज भी लगा दिए गए। प्रशासन को जब हिंदू राष्ट्र के झंडे लगे होने की जानकारी मिली तो उन्हें हटाने पहुंच गया। इससे पहले कि प्रशासनिक अमला झंडे हटाता, हिंदूवादी संगठनों के लोग इकट्ठे हो गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर जुलूस निकाला और एसडीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस बाबत सीहोर कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया जिसमें एसडीएम को हटाने की मांग की गई। हमने कन्नो दौड़ पर और पूरे आष्टा नगर में भगवा झंडे लगाए हैं, तो एक हमने भगवा हिंदू राष्ट्र का लगाया था जिससे माननीय आनंद जी राजावत अनुविभागीय अधिकारी को क्या मालूम क्या तकलीफ हुई, तो उसे नगर पालिका को उन्होंने हटाने के लिए भेजा। मामला बढ़ता देख नगर पालिका का अमला वापस लौट गया और झंडे को हटाया नहीं गया। विवाद बढ़ता देख एसडीएम ने सफाई दी और कहा कि झंडे काफी नीचे लगे हैं और ट्रैफिक में समस्या न हो इसलिए उन्हें हटाने की जरूरत थी।
उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ट्रैफिक से रिलेटेड कोई घटना दुर्घटना ना हो। फिर संबंधित तहसीलदार जो है वहाँ मौके पे वाद विवाद की स्थिति बनी तो संबंधित तहसीलदार भी वहाँ मौके पे गए। वहाँ जिन लोगों द्वारा लगाया गया था उनका ये कहना था कि हमारा अभी त्यौहार है और त्यौहार को देखते हुए हमने किया है। फिलहाल हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद हिंदू राष्ट्र के झंडे शहर में लगे हुए हैं और लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात सार्थक होकर रहेगी। तो इस झंडे को लेकर के किस कदर बवाल मचा हुआ था ये आपने देखा, लेकिन बात करें अमेरिका की तो वहां पर भी गन कल्चर के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। शिकागो में भी आग तांडव मचा रही है। पोलैंड यूक्रेन को जबरदस्त हथियार सौंप रहा है। इसके अलावा दुनिया में और क्या कुछ चल रहा है दो मिनट में देख लीजिए। ब्राजील में एक शख्स ने कुल्हाड़ी से काटकर चार बच्चों की हत्या कर दी, वहीं पांच बच्चे घायल हो गए। ये घटना दक्षिणी ब्राजील के ब्लूमेनो शहर के एक डे केयर सेंटर में हुई है, जहां घायल बच्चों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि हमलावर ने बाद में पुलिस स्टेशन पहुंचकर सरेंडर कर दिया। आग की ये तस्वीरें अमेरिका के शिकागो की हैं। एक ऊंची इमारत में लगी इस आग को बुझाने के दौरान तीन दमकल कर्मी घायल हो गए हैं। जख्मी दमकल कर्मियों में से एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जबकि दो की हालत स्थिर बताई जा रही है। बता दें कि बिल्डिंग की 27वीं मंजिल पर लगी इस आग को अब बुझा दी गई है और इमारत में रहने वाले किसी शख्स के घायल होने की सूचना नहीं है। इन दिनों दुनिया का सबसे ताकतवर देश कुदरत की ताकत के सामने मजबूर है। जी हाँ, ये तस्वीरें अमेरिका के इलिनॉइस में आए बवंडर की हैं, जिसकी वजह से मौसम बेहद खराब हो गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बवंडर आसमान से उतरकर जमीन को टकराता है और फिर उसके बाद पूरा मंजर बदल जाता है। हवाएं न सिर्फ तेज हो जाती हैं बल्कि हाहाकार मचाने लगती हैं। रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन को एक बार फिर पोलैंड ने बड़ी मदद की है। पोलैंड ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यूक्रेन को बख्तरबंद गाड़ियां सौंपी हैं। बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और उनकी पत्नी इन दिनों पोलैंड की यात्रा पर हैं, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनके राजकीय यात्रा का स्वागत किया गया। वहीं ज़ेलेंस्की ने मदद के लिए पोलैंड का धन्यवाद दिया। हाथ में बैनर लिए ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन की वजह है गन कल्चर, जो इन दिनों अमेरिका में आम हो चुका है। ये तस्वीरें टेक्सास की हैं, जहां के वाल्डे और डेनवर में हुई हाईस्कूल के छात्रों ने गन कल्चर के विरोध में स्कूल से वॉकआउट किया। इस दौरान स्टूडेंट्स ने जमकर नारेबाजी की। बता दें कि गन कल्चर के तहत कई बार बच्चों को खास तौर पर निशाना बनाया गया है। तो अमेरिका में गन कल्चर के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश है और लोग स्कूलों में आए दिन हो रही फायरिंग के वजह से अब सड़कों पर उतरे और सरकार से नई नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। और देखिए बवाल यहाँ महाराष्ट्र में सियासतदानों के बयान को लेकर के भी जबरदस्त तरीके से हो रहा है, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने शिंदे के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। हालांकि सीएम ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों को आईना दिखा दिया है। आप ही देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सावरकर पर सियासत जारी है। शिवसेना सावरकर सम्मान रैलियां कर रही है, खुद सीएम एकनाथ शिंदे इन रैलियों में शामिल हो रहे हैं। इधर उद्धव गुट और शिवसेना के बीच जुबानी जंग भी जारी है। ठाणे में आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में उद्धव गुट ने प्रदर्शन किया और निशाने पर लिया सीएम एकनाथ शिंदे को। कह डाला कि गुंडे और गद्दारों की पार्टी नहीं होती, उनकी टोली होती है। एका गद्दार गैंगचं आणि एका पक्षाचे कार्यकर्ते भिडतात, कारण तो पक्षच नाहीये मुळात, चोरलेला काय पक्ष आहे यांचा? चोरांचा कधी पक्ष असू शकतो का? चोरांचा पक्ष असू शकतो का? चोरांचा पक्ष कधी असू शकतो का? ते चोरच असतात, त्यांची टोळी असू शकते फार। आदित्य ठाकरे ने सीएम पर सवाल उठाया तो जवाब भी आया। सीएम ने सीधे शब्दों में समझाया कि उद्धव सरकार के वक्त वसूली और गुंडागर्दी चरम पर थी। कह डाला कि उनकी सरकार में तो गृह मंत्री भी जेल गया था। मुख्यमंत्री का गुंड मंत्री देवेंद्र फडणवीस जैन्ना काय म्हणाले? फडतूस। अरे ज्यांच्या काळात किती मोठे कांड झाले, ज्यांच्या अडीच वर्षामध्ये दोन दोन मंत्री जेलामध्ये गेले, गृहमंत्री जेलमध्ये गेले, पोलिसांची आबरू गृह खात्याची धेंडवडे निघाले, या ठिकाणी कोणी विरोधात बोललं की त्याला जेलमध्ये टाकलं गेलं। आदित्य ठाकरे ने सीएम शिंदे को ठाणे से उनके सामने चुनाव लड़ने की चुनौती दी
तो सीएम ने शालीनता से जवाब दिया, कहा कि वोट किसे देना है ये फैसला तो जनता करती है, और आदित्य ठाकरे पर कटाक्ष भी किया। सोन्याचा चमचा घेऊन आले आणि आयत्या पिठावर रेगोटे ओढले, त्यांच्याबद्दल मी काय बोलणार, मला बोलण्याची आवश्यकता वाटत नाही। फक्त हे काल पण मी पाहिलं, अतिशय फ्रस्ट्रेशन ठाण्यामध्ये काल पाहायला मिळालं, त्यांनी सगळ्या मर्यादा सोडल्या। और आज के दिन की बात करें तो बीजेपी के लिए बहुत खास है, क्योंकि बीजेपी का स्थापना दिवस है और अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जश्न में डूबे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें वो मोदी मंत्र देंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। और ऐसे में दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में स्थापना दिवस को लेकर और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, वो सब कुछ इस रिपोर्ट में। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 43वें स्थापना दिवस के मौके पर देश भर में बीजेपी कई कार्यक्रम करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी आज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी केंद्रीय कार्यालय में, जो नया एक्सटेंशन बना है, वहां पर पार्टी के ध्वज का ध्वजारोहण करेंगे और उसी तरह 9:15 बजे प्रदेशों के सभी पार्टी मुख्यालयों में प्रदेश अध्यक्ष ध्वजारोहण करेंगे। पीएम मोदी देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 9:30 बजे पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन होगा। पीएम मोदी से पहले पार्टी अध्यक्ष नड्डा का संबोधन होगा। 9:45 पर 10,72,942 स्थानों पर सभी कार्यकर्ता अपने महबूब नेता, भारत के प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा, वंचितों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी का संबोधन सुनेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे। पार्टी के सभी सांसद संसद भवन के बाल योगी ऑडिटोरियम में संबोधन सुनेंगे। हर जिला मुख्यालय पर भी पार्टी अध्यक्ष और पीएम का संबोधन दिखाया और सुनाया जाएगा। देश भर में 10,56,000 बूथ पर कार्यकर्ता पीएम मोदी का भाषण सुनेंगे। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में रहेंगे और वहां पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी 14 अप्रैल तक देश भर में अलग अलग कार्यक्रम चलाएगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के बंगाली मार्केट से वॉल राइटिंग कैंपेन की शुरुआत करेंगे। अब आगे बढ़ते हुए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से, जहां एक दबंग ग्राम प्रधान ने एक युवक को तालिबानी सजा दी। दरअसल इस युवक पर चोरी का इल्जाम था और इसीलिए उसके साथ ये बर्बरता की गई। देखिए, प्रधान ने उस शख्स को पेड़ पर उल्टा लटका दिया और नीचे आग जला करके उसे प्रताड़ित किया गया। आरोप प्रधान पर यह लगाया कि इस शख्स को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के फिरोजाबाद में चोरी के आरोप में एक शख्स को तालिबानी सजा देने का मामला सामने आया है। गांव के प्रधान पर आरोप है कि चोरी के आरोप में उसने आरोपी शख्स को अपनी पत्नी और बेटों की मदद से हाथ पैर बांधकर पहले पेड़ पर लटकाया और फिर नीचे से आग लगा दी। ऐसी तालिबानी सजा के बारे में जिसने सुना दंग रह गया। पीड़ित परिवार के मुताबिक प्रधान के लोग युवक को मारपीट और गाली गलौज करते हुए घर से उठाकर ले गए और हाथ पैर बांधकर पेड़ पर लटका दिया। इतना ही नहीं, युवक को जिंदा जलाने की कोशिश भी की। ये डिवाइची गांव का जो प्रधान विष्णु दयाल है, ये स्वयं और उसके परिवार के कुछ लोग मिलकर एक व्यक्ति को पेड़ से लटका दिए थे और उसके बाद नीचे से उसमें आग लगा दी थी, लेकिन समय रहते कुछ लोगों ने उसको बचा लिया था। इसके बाद इस बात की सूचना पर हम लोगों ने तत्काल FIR दर्ज की और इसमें 6 लोग नामजद हुए, इसमें से आज हम लोगों ने प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी जो शेष मुलजिम हैं उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी की जाएगी। तो जिस तरीके से इस ग्राम प्रधान ने तालिबानी सजा दी है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और आरोपी प्रधान के खिलाफ लोग कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं।
इसके अलावा मेट्रो में दो महिलाओं की लड़ाई भी वायरल है और साथ ही रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक लड़की का डांस भी बहुत ज्यादा वायरल है। और क्या कुछ वायरल हो रहा है दो मिनट के सेगमेंट में। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बड़े हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसे देख लोगों का दिल दहल गया है। वीडियो में एक युवक ट्रेन के इंजन के ऊपर चढ़कर पहले बवाल काटता है, फिर अचानक हाई टेंशन तार को छू लेता है। युवक के इस कारनामे के बाद तेज धमाका हुआ और वो शख्स ट्रेन की छत से गिर गया। हादसे में घायल शख्स बुरी तरह से झुलस गया है, उसका इलाज लखनऊ में चल रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फनी वीडियो सामने आया है, जिसे देख आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो लड़कियां घोड़े पर बैठकर एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच घोड़े बेकाबू हो जाते हैं और दोनों लड़कियां बुरी तरह से नीचे गिर जाती हैं। इस दौरान एक लड़की को काफी चोट भी आ जाती है। वीडियो देखकर लोग सहेलियों को ऐसे रिस्क ना लेने की सलाह दे रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर मेट्रो में दो महिलाओं की लड़ाई का ये वीडियो तहलका मचा रहा है। वीडियो में दोनों महिलाएं एक दूसरे को काफी खरी खोटी सुना रही हैं। मामूली बात पर दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक महिला को दूसरी महिला पर पेपर स्प्रे का छिड़काव करना पड़ा। आप खुद को स्मार्ट समझते हैं तो जरा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे स्कूटी पर सवार युवकों की गिनती कीजिए। पकड़ लिया ना माथा, रह गए ना हैरान। स्कूटी पर एक दो या तीन नहीं बल्कि 10 लड़के बैठे हैं। जी हाँ, 10 लड़के। वीडियो देखकर आप थोड़े कंफ्यूज जरूर हुए होंगे, लेकिन फिर आपकी हंसी निकल जाएगी। वायरल वीडियो धनबाद का बताया जा रहा है। मुंबई से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक लड़की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अचानक डांस करने लगी। इस दौरान वो ऐसे ऐसे डांस स्टेप करने लगती है, जिसे देखकर आप अपना माथा पीटने लगेंगे। इस वीडियो को इंस्टा यूजर सीमा कनौजिया ने 30 मार्च को पोस्ट किया है, जिसे देखकर आप कहेंगे दीदी डांस कर रही हो या डरा रही हो। ये वायरल वीडियोस वाकई हैरान करने वाले, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला एक वीडियो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आया है। दरअसल मामला ये है कि एक लड़की के पेट से मोबाइल फोन निकाला गया है। देखिए, डॉक्टर ने सर्जरी करके लड़की के पेट से इस मोबाइल फोन को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि लड़की के पेट में मोबाइल फोन गया कैसे और अब उस लड़की की कंडीशन क्या है, आप खुद देखिए रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के भिंड जिले से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने गुस्से में मोबाइल फोन निकाल लिया। युवती के परिजनों को जब इस बात की जानकारी लगी तो आनंद फानन में युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद युवती को ग्वालियर रेफर कर दिया गया। ग्वालियर के जिला अस्पताल में तकरीबन 1.5 घंटे तक ऑपरेशन चला, जिसके बाद युवती के पेट से सफलतापूर्वक मोबाइल फोन बाहर निकाल लिया गया। बच्ची के पेट में मोबाइल चला गया था, तो वो तत्काल समय रहते उन लोगों ने यहाँ रेफर कर दी और यहाँ लाके हमारे चिकित्सकों ने सफलतापूर्वक उसको पेट से बाहर निकाल दिया और वो सुरक्षित है। तो मैं यही कहूँगा कि समय के साथ वो आ गई और समय पर उसका ऑपरेशन हो गया। दरअसल भिंड के अमायन की रहने वाली एक युवती का अपने भाई से झगड़ा हो गया था, इसी से नाराज होकर युवती ने गुस्से में मोबाइल निकल लिया और उसकी जान पर बनाई।